नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं सुबह की पहली खबर पर। बड़ा मनेरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंधियारा से आए दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर से जनसुनवाई में राहत राशि दिलाए जाने की मांग की है। जनसुनवाई में आए किसानों का कहना है कि सूखा राहत राशि उनके खातों में नहीं पहुंची, जबकि बैंक खातों की नकल सहित अन्य दस्तावेज पटवारी को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे। पूरे दस्तावेज देने के बावजूद किसान पटवारी और आरआई के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके परिवार की आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए उनकी सूखा राहत राशि तत्काल दिलाई है। राहत की हमारे परेशानी मिली और सभी लोगों के मिल गए हैं। 5-6 महीना मान लो बटत हो गए सूखा राहत के। कोई सुनाई नहीं, ये सुनाई आपके यहाँ आए कलेक्टर साहब के पास। क्या चाहते हैं? जिला का अपने पैसा चाहते हैं हम सभी लोग। नमस्कार, जनमंच के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। आपको पेप्टिक टाइम में खबरों के साथ हम हर रोज शहर की जनता व उनके मुद्दों से जुड़वाते हैं। हर रोज नए लोग और उनके नए नए मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। आज जहां पर युवाओं की अगर सोच देखी जाए तो NTPC को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव करीब हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधि अगर NTPC को सुचारू रूप से दोबारा से शुरू करवाते हैं तो ऐसे में लाखों जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो अपना बेरोजगारी का लेते हुए अपनी हाई डिग्रियां तो घर पर रखे हुए हैं लेकिन बावजूदन किसी भी काम पर आगे नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, अगर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वे NTPC स्वीकृति मिलने के बाद अगर वह चालू होता है तो इसमें तमाम हजारों की तादाद में बच्चों को और छात्र छात्राओं को रोजगार भी उपलब्ध हो सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं आज की जनमंच के इस खास कार्यक्रम के द्वारा कि क्या है जनता और युवाओं की सोच। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारी एक स्टूडेंट लाइफ है उसमें जितने स्टूडेंटों में सुधार किया जाए उनके लिए अच्छे से अच्छा रोज़गार हो। यदि किसी की सरकारी जॉब नहीं लगती है तो उसे कोई एक हमारे यहाँ ऐसी रोज़गार कंपनियाँ होना चाहिए जिससे हम लोगों को रोज़गार मिले। NTPC और जो NTPC का है वो हमारे यहाँ हो तो हम कई लोगों को उसमें रोज़गार भी मिल सकता है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने घर में रहते हैं, फालतू काम करते हैं, ये सब ना हो, एक सबको अच्छा रोज़गार मिले। अगले चुनाव में ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी नेता चुने जाएं तो वो कॉलेजों में ऑडिटोरियम और बच्चों को और भी खेल प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्थाएं कराई जाएं जो सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी NTPC मतलब प्लाट बंद हो गया है, उसको दोबारा चालू कराया जाए ताकि जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल सके। तो हमारे जैसे जो अभी भी बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं और मतलब पढ़ाई लिखाई हर चीज़ से कह भी रहे हैं, फिर भी जितनी मतलब स्तर है पढ़ाई का उसके हिसाब से यहाँ पर रोज़गार उतना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि NTPC बंद हो गया है, वो दोबारा चालू हो जाए जिससे मतलब रोज़गार मिल जाएगा लोगों को जो बेरोजगार कर रहे हैं। तो जनमंच की टीम के द्वारा आज शहर की जनता से क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें बड़ा मुद्दा निकल कर आया NTPC का। अगर NTPC सुचारू रूप से दोबारा से चालू होती है तो हजारों नहीं लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है। जो हाई प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोजगार करना आसानी रहेगा और वह और अन्य तमाम ऐसे काम से बच सकेंगे जो कि उनके लिए हानिकारक हैं। तो जनमंच के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। बने रहें पेप्टिक टाइम के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे फिर होगी कल मुलाकात अन्य लोग व उनके मुद्दों के साथ। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चली नजर डालते हैं आज की एक धार्मिक खबर पर। रामायण मानव जीवन के चरित्र का दर्पण होता है, इसके सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं। यह बात देरी रोड पर आयोजित सिद्ध धाम मंदिर में श्री राम कथा के प्रवक्ता राघव दास जी महाराज ने कही। सिद्ध बाबा आश्रम देरी रोड में आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के पहले दिन मंगलवार को दोपहर 2 बजे से कलश शोभा यात्रा आश्रम स्थित हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, सिद्ध बाबा मंदिर और मनोकामना वृक्ष की परिक्रमा करने के पश्चात कथा स्थल पहुंची। इस शोभा यात्रा में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा पश्चात 3 बजे से कथा प्रारंभ हुई। श्री रंग महल अयोध्या निवासी श्री राघव दास जी ने रामायण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रामायण के सातों कांड आस्था के भंडार हैं। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, हम तो सिद्धनाथ बाबा को श्री
सरकार की कथा हनुमान जी बाबा का दरबार है, जहां आज अजर अमर पुरमित सुत हो हूं। और जिन्होंने माता सीता जी को अशोक वाटिका में पहली बार श्री राम कथा सुनाया था, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढड़ारी की निवासी आरती का विवाह एक वर्ष पूर्व मानतपुर थाना के कुसमा गांव में लेखपाल के साथ हुआ था। और चार माह तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन उसके बाद उसके पति ने और उसके परिवार के लोगों ने उसको छोड़ दिया। यह जायका मायके में रहती थी। यह मामला न्यायालय में न चल के बल्कि एक पंचायत के रूप में मोटे के महावीर मंदिर में एक पंचायत हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग बैठे और बिना कोई दस्तावेजों के ना बिना कोई न्यायालय के आरती का डिवोर्स करा दिया गया। जिसके बाद ये वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आरती की ननद और उनकी जिठानी ने उसके साथ मारपीट की न्यायालय के गेट के बाहर। हालांकि मीडिया के लोग जहां वहां पर पहुंचे तो ये मामला शांत हो गया था, लेकिन आरती भागते भागते पुलिस अधीक्षक के पास गई और उसने गेट पर जाकर के गुहार लगाई और रोते हुए अपना पूरा दुखड़ा सुनाया। तभी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि संबंधित थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराएं, तो जाकर के आरती सिविल लाइन थाने में भी पहुंची। लड़के ने पहले शादी की और शादी करने के बाद अब छोड़ दिया। शादी में साल महीना साल हुआ नहीं, चार महीने हुए, चार महीने में लड़के ने अब मुझे छोड़ दिया। तो कहाँ की बात है? अभी 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 वो पंचायत लगती है, वो लगाई, लड़के ने मुझे जवाब नहीं दिया और लड़के लुके छुपे भाग गया। आप रहती कहाँ हो? हम रहते हैं इधर के हैं ढड़ारी के। हमारी इधर शादी हुई थी महाराजपुर के पास है कुसमा, वहाँ शादी हुई है हमारी। कोर्ट में फैसला नहीं हुआ, मंदिर में फैसला हो गया? कुछ नहीं हुआ, हम चार महीने से तड़प रहे हैं कि हमारी फैसला तो करा दो। मारपीट ये चल रही थी कि मतलब इस ये जो भाभी है, इनकी वो बहन है, तो बहन और भाभी सब इसको चिपकी हुई है, ये छोड़ती ही रही इसको। अब हम जवाब के लिए गए थे तो उन्होंने भगा दिया उसको। क्यों भगा दिया? उसके लगते कौन है? किसके शादी हुई थी? क्या नाम? हमारी शादी हुई थी लेखराम के साथ, वो है कुसमा का। हाँ, अब हमें जवाब चाहिए तो पर उसकी भाभी और उसकी बहन ऐसी चिपकी है जैसे कि उसकी हो घर की। सब की पंच फैसला हो गया है, अब उन्होंने जो है तो इनको भड़का दिया है। पंचों की बात करके कागज भी लिख चुका है, अब ये लाडे सारी ये हमारी बहन को पकड़े। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। बिजावर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत साहेगढ़ की एक आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरपंच सचिव के द्वारा जो पंचायत में काम करवाए गए हैं, सीसी रोड की बात करें या सामूहिक कूप की बात करें, ऐसे कई तरह के जो सरकारी काम हैं वहां पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, और ऐसे उन्होंने सभी ने आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायतों को विकास का केंद्र माना जाता है, लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो लोग हैं ये सायगढ़ पंचायत के हैं, जहां पर विकास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की बात खोल रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए यह कहा है कि कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनके एवज में लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं और कार्यों की शुरुआत तक नहीं हुई है। ग्राम पंचायत सायगढ़ के सचिव देवेंद्र यादव, सहायक सचिव लाडले प्रसाद अहरवार व सरपंच उजियारी बाई कोंदर पर ग्रामीणों ने 2 करोड़ से अधिक राशि के गबन के आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले का ज्ञापन कलेक्टर रमेश भंडारी ने लिया है और जांच कराए जाने का आश्वासन भी दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के भरोसा भी दिया है। सागर की इस वजह से परेशान है कि सिकट्टी सरपंच दोनों लोग धमकी देते हैं जान से मारने की, काम का पैसा मंगाने जाते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं, कोई पैसा नहीं देता। तो 2-3 करोड़ का घपला है सागर पंचायत में श्रीमान जी। तो कलेक्टर साहब को 2 बार आए, फिर से आए, दोबारा भी आए कलेक्टर साहब के यहाँ। अगले मंगल को आए थे, वो फिर से आए, सब लोग पूरी जनता आई है।
श्रीमान जी, गरीब आदमी का कोई पैसा नहीं मिला, चंदनपुरा फील्ड का भी पैसा नहीं मिला, जनता ने काम किया है। और सहायगढ़ में जो सीसी है, सहायगढ़ में जो सीसी डली है, 9-10 सीसी है श्रीमान जी, रामगढ़ पंचायत में कोई सीसी पड़ी नहीं है, पैसा निकाल लिया गया। और सहायगढ़ उप सरपंच के नेतृत्व में शिकायत लेके आए थे, उन्होंने अनियमितता की शिकायत की है, उनकी मांग थी जिला स्तर से जांच करा ली जाए, जिला स्तर टीम बैठी जाती है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालेंगे। यह खबर है ईशानगर से, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारी के शव मिला है, जहां पर वो बचेर घाट पर टंकी बनाई गई है, वहीं उसी के पास समीप पर यह शव मिला है। शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। हम आपको बता दें, छतरपुर नगर पालिका का कर्मचारी है सुमेर सिंह, निवासी वरदोहा का रहने वाला है। बीती रात करीबन 10 बजे चौकीदारी के लिए अजूदी ने ईशानगर थाना प्रभारी को सूचना देते हुए यह बताया है कि नगर पालिका की टंकी पर काम करने वाला सुमेर सिंह का शव पड़ा है। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस द्वारा पंचनामा बनाया गया है और जिला अस्पताल पर पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मर कायम करके जांच में ले लिया है। हम हार से आए थे, अच्छा। चले आए सीधे क्या बजे? 5:30 बजे शाम के। शाम के फोन आओ जीत को सुन के दीदी फोन सुबित ऐसी आती लल से आती सुन के दीदी फोन मोटा बंद कर दो फोन आगा उधर से सुबह हम भग गए मोटा बंद कर दी वो जो डब्बा तो चार्ज पे तो जो हम खोलने लगी तो वहाँ से हम लौट के आए तो यहाँ से लटकी मिली। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं अभी तक की खबरों को। सबसे पहले आपको दिखाते हैं छतरपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा सरकार के खिलाफ आखिरी बार मोर्चा खोलकर ऐलान किया गया है कि अगर सरकार ने अब भी उनकी मांगे नहीं मानी तो वे चुनाव में इसका प्रतिक्रिया इसके देंगे। आपको बता दें कि छतरपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन और विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज एमपीवी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनर्स ने बताया कि उन्हें 27 महीने से एरियर नहीं सरकार ने दिया है, जिसके कारण वे परेशान हैं। आज मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन जिला छतरपुर शाखा और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन पेंशनर्स को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको 27 महीने की जो एरियर राशि का भुगतान नहीं हुआ है, अथवा यह कहा जाए कि 1/16 से जो नहीं दिया गया है उस राशि के भुगतान किए जाने हेतु निवेदन के साथ ज्ञापन दिया गया है कि 1/16 से वेतनमान स्वीकृत किया जाए और 27 महीने का एरियर दिया जाए। इसी खबर में देखते हैं छतरपुर के गल्ला मंडी स्थित मेला जल विहार में इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। बीती रात यहां पर जबलपुर की ऑर्केस्ट्रा टीम के द्वारा भजन संध्या की प्रस्तुति दी गई। बाहर से आए कलाकारों ने विभिन्न भजनों पर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन सुनने के लिए शहर के अनेक लोग मेला जल विहार पहुंचे और मेले का भी आनंद लिया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब मोदी की राफेल डील का विरोध तेज कर चुकी है। छतरपुर में भी युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव अक्षय त्रिवेदी के नेतृत्व में राफेल डील सहित महंगे होते डीजल पेट्रोल के खिलाफ युवक कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के नेताओं ने गल्ला मंडी स्थित रामचरित मानस मैदान से एक बैलगाड़ी सजा कर पूरे शहर में निकाली और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिवराज सिंह एक काम करो, शिवराज सिंह एक काम करो, नेताओं ने
राफेल डील के साथ साथ ही महंगे डीजल पेट्रोल और लगातार देश छोड़कर भाग रहे उन उद्योगपतियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जो करोड़ों का कर्ज लेकर भाग रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता आविद सिद्दीकी, अरुण मिश्रा, अभिलेख खरे, अक्षय त्रिवेदी, आकाश दीक्षित सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये विरोध प्रदर्शन डीजल की बढ़ती दामों और महंगाई को चरम की सीमा पर जाने के लिए किया गया था। इसमें राफेल डील एवं किंगफिशर के विजय माल्या को बाहर भगाने में अरुण जेटली जी का हाथ तथा मोदी जी का संरक्षण हमेशा रहता था, इसके लिए ये विरोध प्रदर्शन रखा गया था। बैलगाड़ी से इसलिए आना पड़ा है, डीजल का कीमत बहुत ही ज़्यादा हो रही है, 90 रुपये के ऊपर पहुँच चुका है, जिसमें डीजल 80 रुपये के पास पहुँच चुका है, जिसमें बहुत महंगाई हो रही है। गरीब जनता पहले ही मर रही है, मरने से कोई रोक नहीं सकता है। आप लोगों जैसा मालूम होगा कि उत्तराखंड में एक बस ओनर ने मंत्री के सामने सेल्फास खाकर आत्महत्या की थी। आज ये स्थिति पूरे देश में बनने जा रही है कि जहां बस ओनर एक तरफ आत्महत्या करने को तैयार है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आम आदमी परेशान है। इस सरकार, निकम्मी सरकार को, जो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को पैसा लेकर भागने में मदद कर रही है, उसका हर जाना गरीब जनता से वसूला जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। इसी बुलेटिन में एक और महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। सरकार अब आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं और स्कूल के बच्चों को तैयार कर रही है। आपदा प्रबंधन के लिए छतरपुर में होमगार्ड के संयुक्त टीम के द्वारा ग्वालियर से आई एक टीम ने महाराजा कॉलेज में युवाओं को प्रशिक्षित किया और उन्हें बताया कि कैसे उन्हें आपदाओं से निपटना है। यह कार्यक्रम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जा रहा है। इसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त प्रकार का प्रशिक्षण बच्चों को, बेसिक प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स होते समय एस्केप रूट कौन सा रहेगा, सेफ जोन कौन सा रहेगा, जब कभी बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के समय कैसे हम लोगों को बचाएं, लाइफ जैकेट, इक्विपमेंट, एसेसरीज के बारे में संपूर्ण के लिए जानकारी दी जा रही है। कहाँ की टीम ने प्रशिक्षण? ये प्रशिक्षण में ग्वालियर की SDRF टीम है और इसमें छतरपुर की होमगार्ड टीम्स का पूरा सहयोग है और होमगार्ड टीम के साथ में बच्चों को महाराजा कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जन जागरूक के लिए तब तक चलता रहेगा जब तक अंतिम व्यक्ति तक हम प्रशिक्षण ना पहुंचा दें, अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम बचाने की कड़ी में उनको अपने साथ सम्मिलित ना करने, तब तक इस कार्यक्रम को हम लोग चालू रखेंगे। लोगों को आपदा की प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आपदा के दौरान फ्रेश रिस्पॉन्स क्या किया जाए और आपदा में जान माल का नुकसान न हो, इस बारे में फ्रेश रिस्पॉन्स में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। तब तक टीम पहुंचे तो हम ये जागरूक करना चाह रहे हैं बच्चों को, जो संस्थाएं इसमें शामिल है हमारे पास, NCC, नेहरू युवा केंद्र, इनके बच्चे भी शामिल होते हैं, इन सभी को हम ये अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं कि जब तक आपदा की टीम पहुँचे आप फर्स्ट रिस्पॉन्स के दौरान किस टाइप से आप बच सकते और अपने साथियों को कैसे बचा सकते। नमस्कार, खबर दिनभर में एक बड़ी खबर आ रही है इस बुलेटिन में, देखते हैं। छतरपुर में विद्युत मंडल में पदस्थ JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर सुबोध सिंह एक हादसे में घायल हुए हैं। सुबोध सिंह बिजली चोरी को पकड़ने वाली टीम में शामिल थे और वे सिंचाई कॉलोनी स्थित एक उपभोक्ता रामकली रैकवार के घर में बिजली चोरी पकड़ने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान चोरी पकड़ते समय जब वो मीटर के तरफ बढ़े तो वहां पर उन्हें बिजली का करंट लग गया और यहां से गिरने के कारण वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके सिर पर गंभीर चोट है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो विद्युत विभाग में पदस्थ जूनियर इंजीनियर सुबोध सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे चोरी पकड़ने गए दस्ते में शामिल थे और इस दौरान एक हादसे में जख्मी हुए। करीब 2 बजे दोपहर के आज 2 बजे 25 तारीख को हम और हमारी टीम जिसमें सुबोध सिंह सब इंजीनियर भी शामिल थे और 6 स्टाफ भी था, तकरीबन सिंचाई कॉलोनी में बिजली चोरी पकड़ने गए थे। तो वहाँ पे एक घर चेक किया था जिनका बिल आता है रामकली रैकवार के नाम से, जो कि GIWIRE में चोरी कर रहे थे। तो उसी को चेक करते समय तो सब इंजीनियर साहब सुबोध सिंह सीढ़ी से गिर पड़े, करंट लग गया था उन्हें, जो कि उनकी गलती के कारण जो चोरी कर रहे थे, जिससे उनके सर पे गंभीर चोट आ गई और हालत अभी नाजुक थी। पूरी हम लोग टीम थे, पूरी टीम के साथ चोरी पकड़ने गए थे और वहाँ चोरी पाई भी गई थी। तो इसी दौरान हादसा हो गया तो तत्काल हम लोग अस्पताल लेकर आए उनको और जहाँ पर एडमिट करा दिया।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ग्राम नदरपुर से आए हुए चूरामन कुशवाहा ने कलेक्टर को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उसके आंगन को गलत तरीके से नापा गया है और गांव के कुछ लोगों द्वारा पैसे का लेन देन करके ये काम जबरदस्ती राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से करवाया गया है, जिसकी वजह से अब गाँव के ही कुछ लोग अपना उसके जमीन खाली करने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि गांव के ही मुरलीधर पटेरिया से रुपए लेकर गलत नाप की गई है और अब मुरलीधर पटेरिया द्वारा घर खाली करने की धमकी दी जा रही। इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये समस्या का राम चैनाराई अहवार और आराधना पटेल पटवारी नदनपुर हल्का में जमीन के बारे में बकरी नाप दी गई, तो 6 बकरी निकाल के मुरलीधर पटेरिया बकरी खाली करवा रहा, परिवार सहित परेशान है बच्चा सब। हम लोग ये चाहते हैं कि 200 वर्ष से रह रहे हैं जी लोग, पर्वता कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा, मनप्रयाई यादव, हरिचंद। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर है कतरवारा की। यहां के हरिजन बस्ती में रोड स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी रोड के लिए राशि स्वीकृत ना हो पाने से रोड नहीं बना है। यही वजह है कि यहां पर गलियों में नाली का पानी बजबजाता रहता है और इस प्रदूषित पानी की वजह से गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं। नंदलाल चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है, जिसमें जल्द से जल्द रोड बनवाने की मांग की गई है। 10-15 दिन तक अगर इस मामले में काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। हमारा कतरवारा गांव है और कतरवारा गांव में SC ST बस्ती के लिए रोड स्वीकृत किया गया शासन के द्वारा, तो 2 साल पहले हो गया था। ये हो गया था 14/4/2016 में और सरपंच महोदय से कहते हैं हम लोग कि सरपंच साहब हमारे यहाँ रोड डलवाइए, तो कहते हैं बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है शासन के पास में तो रोड स्वीकृत क्यों किया? तो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा जो सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, मार्केट भूमि और रोड, ये हमें चाहिए। और अगर ये हमें नहीं मिला तो आने वाले समय में बहुजन संघर्ष दल के द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। आज सर कलेक्टर साहब तो नहीं मिल पाए, सर के द्वारा दिया गया है, तो अब उन्होंने कहा कि हम जांच करवाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार हर घंटे खबरें देखते रहने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार। मारुति सुजुकी लेकर आए हैं मेगा रूरल कार्निवल, दिनांक 28 और 29 सितंबर को, जहां होंगी मारुति सुजुकी के सभी मॉडल्स, साथ ही बेस्ट फाइनेंस ऑफर्स और आपकी पुरानी कार पर बेस्ट एक्सचेंज ऑफर्स भी। यही नहीं, यहां उपलब्ध होंगे मारुति सुजुकी पार्ट्स, फ्री सर्विस, फ्री चेकअप और तो और यहां होगी ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन। बच्चों के लिए ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, महिलाओं के लिए मेहंदी कॉम्पिटिशन और कल्चरल डांस भी। हर बुकिंग पर आप पाएंगे 73,100 तक के शानदार ऑफर्स। स्पॉट डिलीवरी पर 2 ग्राम गोल्ड कॉइन का एक्साइटिंग गिफ्ट। यहाँ आपके लिए है बुकिंग्स पर 5100 रुपए तक की मारुति सुजुकी एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री और लकी ड्रॉ में गिफ्ट जीतने का मौका भी है यहाँ। तो आइए बुक कीजिए अपनी पसंदीदा मारुति सुजुकी कार। होटल रीजेंसी, झांसी रोड, छतरपुर।